नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं ने तो नाराजगी जाहिर करते हुए पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। विपक्षी तरफ से दी गई इस चिट्ठी में लिखा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ये दिखाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही शासन में तब्दील हो गया है। इस चिट्ठी में आगे लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमें भरोसा है कि आपको आज भी लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल यह दिखाता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील हो गए हैं। लंबी तलाश के बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर गड़बड़ी के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई और वह भी बिना कोई सबूत के दिखाए। सिसोदिया जी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। ये राजनीति षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई है। इस गिरफ्तारी ने पूरे देश की आवाम को गुस्से से भर दिया है। दुनिया भर में मनीष सिसोदिया दिल्ली स्कूल एजुकेशन में बदलाव के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी को दुनिया भर में बदले की भावना से की गई राजनीतिक कार्रवाई के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। इससे वह बात भी पुष्ट हो रही है जिसके बारे में पूरी दुनिया आशंकित है कि भाजपा के तानाशाही शासन के दौरान भारत के लोकतांत्रिक खतरे में है। आपके शासन में 2014 से अब तक जितने राजनेताओं की गिरफ्तारी हुई, छापेमारी की गई या पूछताछ की गई, उन विपक्षी नेताएं, मज़ेदार बात यह है कि उन विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच धीमी पड़ जाती है, जो बाद में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्व कांग्रेस नेता और असम के मौजूदा सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, सीबीआई और ईडी ने 2014-15 में शारदा चीट फंड घोटाले में उनके खिलाफ जाँच शुरू की थी। हालाँकि जब से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की तब से केस आगे नहीं बढ़ा है। इसी तरह नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में तृणमूल नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय ईडी और सीबीआई के रडार पर थे। विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली और तब से केस में कोई खास तरक्की नहीं हुई है। महाराष्ट्र के नारायण राणे केस को ले लीजिए, ऐसे कई उदाहरण हैं। आपको बता दें, इस चिट्ठी को लिखने वाले नेताओं के नाम हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, बीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राजद नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, रकापा चीफ शरद पवार, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के चीफ उद्धव ठाकरे, सपा के चीफ अखिलेश यादव शामिल हैं। इन सबके बीच शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मानते हुए मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी .com।